आज एसटीईटी को लेकर के कुछ अभ्यर्थी जो है राजभवन मार्च कर रहे हैं। न्यूज द्वारा तस्वीरें भी देखी हैं और हमारी जिला अधिकारी से बात हुई। एडीएम जो है वो लाठीचार्ज कर रहे हैं, तो हमने मामला जो है उनसे समझा और हमने पूछा कि भाई क्या कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि एक जांच कमेटी बना दी गई है, दोषी पाने पे उनको सजा मिली। हम यही सारे विद्यार्थियों से अपील करेंगे कि आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे पर आज सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थी जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे और उनका मांग था कि जो सातवें चरण की बहाली होनी है उसमें उन्हें भी जगह दी जाए। और प्रदर्शनकारी छात्रों की संख्या लगभग 1000 के करीब थी। पटना के डाक बंगला चौराहे पर वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच पुलिस ने लाठियां चटकाई। पुलिस ने जिस मजिस्ट्रेट के निर्देश पर लाठियां चटकाई उस मजिस्ट्रेट की विजुअल हमने आपको दिखाया, किस तरीके से राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर पटना का मजिस्ट्रेट के सिंह लाठियां चला रहा था, पुलिस से लाठियां चलवा रहा था। लेकिन इन सब के बीच हमारी सबसे बड़ी जीत, उन तमाम लोगों की सबसे बड़ी जीत हुई जो इस वीडियोज को देखे और जिसने मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पटना के डीएम ने जांच का आदेश दिया, 2 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी है। लेकिन बड़ी खबर आपको दे दें, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी इसको लेकर गंभीर हैं। देखिए, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस मामले को लेकर वो जांच करवाएंगे। साथ ही तेजस्वी ने भी कहा है कि जो लोग भी जो प्रदर्शनकारी छात्र थे उनकी मांगों को हम समर्थन देते हैं और साथ ही हमारा तो मुद्दा रहा है रोजगार, हमारा तो मुद्दा रहा है शिक्षा, हम इस मामले पर आगे जाएंगे। सुनवाते हैं तेजस्वी यादव क्या कुछ कर। आज एसटीईटी को लेकर के कुछ अभ्यर्थी जो है राजभवन मार्च कर रहे थे। हमने न्यूज द्वारा तस्वीरें भी देखी हैं और हमारी जिलाधिकारी से बात हुई। हमारी जिलाधिकारी से जब बात हुई तो वहाँ एक दृश्य बताया जा रहा है जहाँ एडीएम जो है वो लाठीचार्ज कर रहे हैं। तो हमने मामला जो है उनसे समझा और हमने पूछा कि भाई क्या कार्रवाई की जा रही है। तो उन्होंने कहा कि एक जांच कमेटी बना दी गई है, दोषी पाने पे उनको सजा मिली। तो एक बात स्पष्ट हो दीजिए सब लोग कि आप सब लोग कई दिनों से देख रहे होंगे कि हमारे आवास में 10 सर्कुलर रोड हर जगह से, चाहे नियोजित हो, नियोजन वाले हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के अभ्यर्थी हो, चाहे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अभ्यर्थी हो या शिक्षा डिपार्टमेंट के अभ्यर्थी हो, हर कोई आ रहे हैं बड़ी बड़ी संख्या में और हम मिल रहे हैं सब लोगों से, हम मिल रहे हैं। और हम यही सारे विद्यार्थियों से अपील करेंगे कि आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और हमारी तो लड़ाई रही है रोजगार को लेकर के, नौकरी को लेकर के। और नई महागठबंधन की जो सरकार बनी है जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, 15 अगस्त को यह ऐलान ही हो गया कि 10 लाख तो नौकरी और उसके अलावा भी रोजगार की व्यवस्था कराएंगे, उसको 20 लाख तक पहुंचाएंगे। तो ये तो स्पष्ट है कि लोगों को जो डाउट में था कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब तो एक चीज स्पष्ट है कि लोगों को नौकरियां और रोजगार दोनों जो है वो मिलेंगे। हमारी यही अभ्यर्थियों से प्रार्थना है कि ये आपकी सरकार है, जनता की सरकार है, गरीब की सरकार है,
और इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। तो उनसे यही प्रार्थना है कि थोड़ा संयम बरके, हर चीजों को संयोजित किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, सभी जगह निर्देश दे दिए गए हैं कि भाई नौकरी जो पद रिक्त है उसको भरना है, हमको तो नेशनल एवरेज के मुकाबले भी आना है। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, जब हम सब लोग आपकी बात को आवाज आते ही है, सब लोग अपनी बात रख ही देते हैं, तो इसका कोई मतलब तो था नहीं, क्योंकि हम तो सुन ही रहे थे। चार दिन से अगर आप मेरे फेसबुक टैगलाइन पे भी जाइए तो हम सब लोग उससे मिल रहे हैं, सब लोगों की बातें सुन रहे हैं, और उसमें से कई अभ्यर्थी जो है कलम भी भेंट कर रहे हैं और किताब भी भेंट कर रहे हैं। तो हमारी इस मसले को लेकर के, क्योंकि हम लोग गंभीर हैं कि वो जो दृश्य जो भी हम लोगों ने देखा वो ठीक नहीं था। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। पटना के गुंडे मजिस्ट्रेट के रवैये से नाराज तेजस्वी ने साफ साफ कहा है कि वो छात्रों की मांग के समर्थन में हैं। देखिए, वो तेजस्वी हैं जिन्होंने सत्ता में रहते हुए भी समर्थन किया, ये वो तेजस्वी हैं जिन्होंने विपक्ष में रहते हुए समर्थन किया, और पटना के गुंडा मजिस्ट्रेट के खिलाफ अब कार्रवाई होने जा रही है, और एक कार्रवाई साफ तौर पे होगी, और इस कार्रवाई को इशारों ही इशारों में तेजस्वी ने बता दिया है। पटना में गुंडागर्दी छात्रों के खिलाफ जिस मजिस्ट्रेट ने की है उसके खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा रही है। एक एक अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।